दोस्तों, ये कौन सी साउथ की फिल्म होने वाली है जिसमें बॉलीवुड के और हॉलीवुड के एक्टर्स अपना डेब्यू करने वाले हैं और क्या होने वाली हैं उस फिल्म की खास बातें, तो आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं ज़ैनी शाहनवाज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में, जहाँ आज हम बात करेंगे आने वाली फिल्म RRR के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अब इस फिल्म का नाम ज़रा यूनिक है, तो सबसे पहले हम इस फिल्म के नाम से ही शुरुआत करेंगे। आपके लिए ज़रूरी है कि आप फिल्म के नाम को समझ जाएं, फिल्म के नाम को अच्छी तरीके से जान जाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के नाम में होने वाले उन तीन आर की। तो ये तीन आर दोस्तों क्या है, कहाँ से आए हैं ये तीन आर? तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूँ कि फिल्म के नाम के ये तीन आर हैं डायरेक्टर SS राजामौली और फिल्म के दो साउथ सुपरस्टार्स यानी कि रामचरण और रामा राव के नाम के इनिशियल्स, यानी कि राजामौली का आर, रामचरण का आर और रामा राव का भी आर। तो दोस्तों क्या बना, RRR। अब दूसरी चीज, फिल्म होने वाली है कई सारी भाषाओं में रिलीज, तो अब इस वजह से फिल्म के निकले हैं हर भाषा में अलग अलग मतलब। तो दोस्तों फिल्म का जो हिंदी सीक्वेंस है उसके मुताबिक फिल्म के नाम का मतलब होता है राइज रोर एंड रिवोल्ट। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है डायरेक्टर SS राजामौली ने और ये फिल्म होने वाली है एक तेलुगु लैंग्वेज पीरियड ड्रामा फिल्म, यानी कि इस फिल्म में इंडियन फ्रीडम फाइटर्स की वो फाइट दिखाई जाएगी जब वो ब्रिटिशर्स के साथ और हैदराबाद के निजाम्स के साथ जंग लड़ रहे थे। दोस्तों इस फिल्म की खास बात तो ये है कि इस फिल्म में ना सिर्फ साउथ के एक्टर्स बल्कि बॉलीवुड के और हॉलीवुड के एक्टर्स अपना तेलुगु डेब्यू करते हुए नजर आएंगे। फिल्म में हमें नजर आने वाले हैं बॉलीवुड के दो बड़े नाम जो कि हैं आलिया भट्ट और अजय देवगन। जी हाँ दोस्तों, फिल्म में हमें आलिया भट्ट और अजय देवगन काफी अहम कैमियोस करते हुए नजर आने वाले हैं। फिल्म में आलिया भट्ट हमें सीता बनी एक्टर रामचरण के ऑपोजिट नजर आएंगी। हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर आलिया भट्ट ने फिल्म का पोस्टर शेयर किया था और उन्होंने कैप्शन में लिखा था सीता। तो दोस्तों अब बात करी जाए अजय देवगन की, तो अजय देवगन हमें इस फिल्म में एक काफी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। भले ही वो कैमियो करते हुए नजर आएंगे लेकिन उनका कैमियो फिल्म के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। अब बात करी जाए फिल्म में होने वाले हॉलीवुड एक्टर्स की, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि फिल्म में हमें नजर आने वाले हैं रे स्टीवनसन और एलिसन डूडी। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले रे स्टीवनसन को हम सभी ने फिल्म थॉर में भी देखा था। तो दोस्तों जहां इस फिल्म की इतनी सारी खास बातें हैं, तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि ये फिल्म October 13, 2021 को रिलीज कर दी जाएगी। अब जहां ये फिल्म भी नहीं बनी है, फिल्म के सीक्वल की खबरें पूरे बॉलीवुड में फैल चुकी हैं। फिल्म का सीक्वल यानी कि R4, उसकी चर्चा मेकर्स ने खुद एक इंटरव्यू में सबके साथ की। मेकर्स ने बताया कि फिल्म R4 जल्द ही आ जाएगी। तो यानी कि जहां आप RRR यानी कि RRR को देखेंगे, उसी के थोड़े वक्त बाद आप R4 को भी देखेंगे। तो दोस्तों आप इस फिल्म में आलिया भट्ट और अजय देवगन का कैमियो देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं और फिल्म में हॉलीवुड स्टार्स को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप बॉलीवुड की और फिल्मों से जुड़ी ऐसी ही जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में वो भी बताइएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं ज़ैनी शाहनवाज़ लेती हूँ आप सभी से विदा।